कुछ समय पहले जब हम दिल्ली हाईकोर्ट गए तो हमारी मांग थी टू सर्टिफाई टू आस यानी कि हमें सर्टिफाई करके दीजिए कि एंड दे फॉर टू द पब्लिक एट लार्ज कि 5G जी टेक्नोलॉजी सेफ़ है टू ह्यूमन काइंड आदमी औरत बड़े छोटे बच्चे और भी एकदम छोटे से बच्चे एनिमल्स यानी पशु पक्षी एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म 2019 में हमने आर टी आई एप्लीकेशन में लेटर भेजे थे आर टी आई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और इसके अंदर भारत का कोई भी नागरिक अपना सवाल भेज सकता है और उसे सीधा और सच्चा जवाब मिलता है सो so हमने भेजा था ये प्रश्न प्लीज़ एडवाइज इफ़ एनी स्टडीज़ हैव बिन डन अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम मोबाइल टार्ज और एंटने To humans, animals, birds, plants, or any other living organisms for the following cellular technologies. Bio department, 2G, 3G, 4G, 5G. Indian Council of Medical Research is one of the most respected and one of the oldest government institutions for medical research. Vahasihame KICMR is conducting a study on effective radio frequency radiation emitted from phone towers 2G and 3G. Hamne the Science and Engineering Research Board of India Kobeja or Vahase Hame Java No studies supported by SERB have been conducted specifically on the effect of two G, 3G, 4G and 5G cellular technologies on humans, animals, birds, plants और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक तरफ टेक्नोलॉजी आगे भागती जा रही थी 2G से 3G, 3G से 4G और अब 5G की न्यूज आने लगी 2020 में हमने फिर से आर टी एप्लीकेशन में लिखा और यही वापस पूछा स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड स्टडीज डन ऑन इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम मोबाइल टेलीफोनी एंटने एंड टावर्स ऑन ह्यूमन बींग्स Animals, plants, or any other living organisms by any department of the government of India. Hame Patrimila. Again, Science and Engineering Research Board say. As the projects under this program are sensitive in nature, the generated data outcomes from the projects require exhaustive review and validation. No such reports are available in public domain as yet. Also, these studies. आर नॉट स्पेसिफिक टू टू जी थ्री जी फोर जी और फाइव जी एन सी डी एम ए सेल्यूलर टेक्नोलॉजीज़ यानि कि वो स्टडीज़ इन पर तो नहीं हो रही थी हमने जो सवाल दिल्ली में उठाए उनके जवाब हमारे हाथ में थे ये सब हमने क्यों किया हम यहाँ कैसे पहुँचे आइए मेरे साथ मैं अपनी 11 साल की जर्नी पर आपको लेके चलती हूँ वैसे तो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं मगर मैं उनमें नहीं जाऊँगी मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें करूँगी जो हुई और जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी 2010 में मेरे घर के सामने एक दिन हम बालकनी में खड़े हुए थे तो सडनली देखा कि सयादरी स्टेट गेस्ट हाउस पे जो बिल्कुल सड़क के उस पार है हमारे वहाँ करीब 30 मीटर की दूरी पर कोई 14 एंटने टावर लग गए थे उस समय में मुझे नहीं पता था ये क्या है किसी ने बताया ये मोबाइल टार एंटने है अच्छा उस कुछ उस समय तहलका मैगजीन में फ्रंट पेज स्टोरी थी ऑन दिस वेरी टॉपिक और उसमें लिखा था तेहलकाज़ फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ सेल टार रेडिएशन इन डेली साउंडेड अलार्म बेल्स अक्रॉस इंडिया The findings in Mumbai are even more chilling. और अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों ने रेडिएशन के बारे में लिखा हुआ था अब मैंने सोचा ये सब क्या हो गया ये चलिए डरने से पहले कुछ पैनिक करने से पहले अपने घर की थोड़ी जांच करा लेते हैं कि यहाँ पर कोई रेडिएशन एक्चुअली आ रही है या नहीं उस समय ये बातें कुछ नई नई शुरू हुई थी तो इट वॉज़ नॉट ईजी टू फाइंड एन एजेंसी जो कि आकर ये जांच करे काफ़ी मुश्किल से हमें हैदराबाद की एक एजेंसी मिली सी टी आई एल जिस दिन वो आए इत्तेफाक से मैं घर पर थी तो जब वो अपना पूरा इक्विपमेंट लेके आए थे कुछ मीटर्स कुछ सा तो फिर वो बालकनीज़ में गए और कर रहे थे तो एक समय पर उनका जो ऑपरेटर था वो उसने कहा कि प्लीज़ ज़रा मैडम को बुला दीजिए तो मैं गई तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये देखिए ये हमारा मीटर है और ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है और हमारी सुई वहाँ तक पहुँच रही है अगर और हो सकता तो वो चली जाती ऊपर मगर ये हमारी रीडिंग मैक्सिमम है अच्छा ठीक है फिर दो तीन हफ्ते के बाद उन्होंने एक प्रॉपरली ऑडिटेड रिपोर्ट हमें भेजी जिसमें मेरे घर के पूरे मैप बने हुए थे एंड इन रेड यू नो ब्लॉक्स मेड जहाँ पर रेडिएशन हाई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कंक्लूजन में लिखा हुआ था सच हाई लेवल ऑफ रेडिएशन आर डेंजरस टू द हेल्थ ऑफ दोस्ट हु फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इमीजिएट परसिस्टेंट इफेक्ट्स मे बी बैड क्वालिटी स्लीप माइनर मेमोरी लॉस फ्रीकुंट हेड डिजीनेस लैक ऑफ़ कॉन्सन्ट्रेशन इरीटेशन लेवल्स मिसिंग हार्ट बीट्स फ्रीकुंट चेंजेस इन ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा अब ये सब पढ़ के फिर थोड़ा घबरा तो गई मेरे बच्चे छोटे थे तो फिर मैं क्या करूँ आई स्टार्टड मीटिंग पीपल यानी कि मलाबा हिल रेजिडेंस एसोसिएशन की हेड के साथ फिर उन्होंने मुझे मिलाया मिलिंद देवरा जी से हमने पत्र लिखे चीफ मिनिस्टर साहब को आ, आई वेंट टू आई एम सी लेडीज वेंग वहाँ पर प्रजेंटेशन दी ये सब दिखाया कहाँ कहाँ नहीं गई क्या क्या नहीं किया मैं एक डेढ़ साल कोशिश करके मैं थक गई फिर मैंने सोचा मुझसे कुछ नहीं हो रहा इसे जाने दो उस समय मेरे नेबर मिस्टर मुंशी उन्होंने मेरी मदद करनी शुरू कर दी और उन्होंने मुझसे आर टी आई में एप्लीकेशन करवाई चिट्ठी लिखवाई और वहाँ पर से कुछ तीखे तीखे सवाल मुझसे लिखवाए सयाद्री स्टेट गेस्ट हाउस में मोबाइल टावर्स लगाने की परमिशन किसने दी किस तरह के किस प्रकार के और कितने मोबाइल टावर लगाने की परमिशन दी गई है क्या बीएमसी के सभी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए गए हैं और हमें उन सारे कॉरेस्पॉन्डेंस की कॉपीज दीजिए जो बीएमसी, एम स्टेट गेस्ट हाउस और मोबाइल टावर ऑपरेटर्स के बीच की गई दो तीन हफ्ते के बाद देखते हैं कि सयाद्री स्टेट गेस्ट हाउस के टेरेस पर से सारे मोबाइल टावर गायब हो गए एक ही बचा था और फिर आरटीआई का रिप्लाई मिला जिसमें लिखा था चौदह मोबाइल टावर्स में से तेरह इलीगल थे हटा दिए गए हैं जब ये खबर छपी तो हमारे फोन बचने लगे कोई बैंड्रा से फ़ोन कर रहा है तो कोई भोपाल से यही कह रहे हैं कि हमारे घर के सामने भी मोबाइल टावर लगे हैं आपने अपने घर के सामने से कैसे हटवा दीजिए प्लीज हमारी मदद कीजिए ना तो हम क्या करते हम एक एक करके लोगों की मदद करने लग गए 2013 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने हमें इन्वाइट किया टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स हम स्पेशली दिल्ली गए इसके लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन उस समय थे श्री राव इंदरजीत सिंह जी तो पूरा दिन उन्होंने मीटिंग्स की है रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एसोचैम ए यू एस पी आई डिपार्टमेंट ऑफ़ टेली कम्युनिकेशन्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया टेलीकॉम इंडस्ट्री के सारे रिप्रेजेंटेटिव से उनकी पूरे दिन मुलाकात हुई है शाम को पाँच बजे हमारी टर्न आई पाँच बजे हमने प्रेजेंटेशन की उनके सामने एंड आफ्ट द प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट ऑल द मेम्बर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी केम एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड आस तीन महीने के बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने हमें अपनी रिपोर्ट भेजी एंड वो पढ़ने लायक है में जो रिकमेंडेशन दी अगर वो थर्टी थ्री पेजेस थे तो ट्वेंटी फाइव ओनली अबाउट पब्लिक हेल्थ कंसर्न दो हजार पंद्रह में आई सी एम इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी जीनीवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के सामने डॉ राधे श्याम शर्मा जी उस समय सीनियर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल थे तो उन्होंने ये प्रेजेंटेशन दी बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ ईएमएफ रेडिएशन उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में इतनी सारी इंडियन स्टडीज ऑन द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ईएमएफ रेडिएशन इनका वर्णन किया ये स्टडीज इंडियन रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट्स ने खुद इंडिपेंडेंटली की हैं फिर उन्होंने ये ये इमेजेस दिखाएं मोबाइल फोन टावर्स की और फिर ये केस स्टडी का वर्णन किया जो कि मुंबई में हुआ था उषा किरण बिल्डिंग में जहां छः या सात कैंसर केसेस पाए गए बिल्कुल उन अपार्टमेंट्स में जो कि विजय अपार्टमेंट्स के सामने थे जहां पर मोबाइल टावर एंटेने लगे हुए थे और उन्होंने अपनी कंक्लूजन वहाँ पर ये सुनाई कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आई शुड एक्सेप्ट द फैक्ट That RFR emitted from cell phone and cell phone towers has got biological effect. Needs to conduct comprehensive, multidisciplinary, prospective, long-term cohort studies in different populations and different countries, but without private funding. 2G to 3G, 3G to up, 4G, pe baat thi, magar on the ground, nothing had changed. गुलदस्तों की तरह घरों के सामने स्कूल्स के सामने हॉस्पिटल्स के सामने मोबाइल टावर लगते ही जा रहे थे उसी साल हमने पीआईएल फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में फॉर रेगुलेशन ऑन मोबाइल टावर इंस्टॉलेशंस। और कोर्ट में तारीख़ पे तारीख़ तारीख़ पे तारीख मगर सुनवाई तो नहीं हुई एक सवा साल के बाद एक लेडी जा जाए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे और केसेस पड़े हैं उनके साथ इसे जोड़ दीजिए वहां देखा जाएगा इस दौरान बहुत सारे पत्र लिखे गए एक्सपर्ट्स फ्रॉम ओवरसीज डॉक्टर्स ने हमारे साथ प्रेजेंटेशंस दिए मुझे बड़े बड़े लोगों ने संस्थाओं ने अवार्ड्स दिए इस काम के लिए 2019 में तंग आकर हमने फिर से आरटीआई में पत्र लिखे और ये सब पूछा 20 में 2020 में 5G की न्यूज और बड़ी आने लगी हमने सोचा ये सब कैसे हो रहा है कि टेक्नोलॉजी एक हाथ पर आगे दौड़ी ही जा रही है बढ़ती ही जा रही है हमारे इर्द गिर्द और 2G से 3G, 3G से 4G अगर एक एक कदम आगे था तो 4G से 5G तो एक छलांग है अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो आपके कोई फ्रेंड्स होंगे इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री उनसे पूछ लीजिए फाइव जी टेक्नोलॉजी के आने पर रेडिएशन की सारी हदें पार हो जाएंगी दुनिया का कोई कोना नहीं बचेगा जहां रेडिएशन ना हो हर कंपनी फास्टर बेटर नेटवर्क सर्विस देने के दौड़ में हम सबको रेडिएशन के समुंदर में भिगो देंगे अगर हमने छोटे छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए आने वाली पीढ़ियों की सेफ्टी के लिए गर्भवती महिलाओं की सेफ्टी के लिए बड़े बूढ़े बीमार लोगों की सेफ्टी के लिए इन पेड़ पौधे पशु पक्षी की सेफ्टी के लिए अगर सवाल उठाया तो आपको क्या लगता है कि हमने गलत किया